हाय दोस्तों, मेरा नाम मनान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सैमसंग J2 का IMEI अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा, IMEI रिपेयर करने से पहले आपको जो फोन को जो है ओडिन टूल से जो है आपको उसे फ्लैश करना होगा TWRP फाइल से, ठीक है। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उसके बाद आपको जो है TWRP फाइल से जब फ्लैश करते हैं आप ओडिन टूल से सैमसंग मोबाइल को, उसके बाद उसमें जो है सुपर SU फाइल आपको इंस्टॉल करना होगा मोबाइल में। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद IMEI कैसे रिपेयर किया था इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप सुपर SU फाइल को अगर इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में और क्या कहते हैं TWRP फाइल से फ्लैश करते हैं तो आप जो है अपने मोबाइल का जो एंड्रॉयड वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपका फोन जो है लॉलीपॉप है तो उसे आप जो है मार्शमेलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, मोबाइल को जो है TWRP फाइल से फ्लैश करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में जाना है। अबाउट में जाने के बाद आपको अपने बिल्ड नंबर पर जो है आपको 7 बार जो है क्लिक करना है ताकि उसका जो डेवलपर है वो बाहर आ जाए। और उसके बाद जब डेवलपर बाहर आ जाएगा तो डेवलपर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका जो OEM अनलॉकिंग है इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद USB डिबगिंग है इसे आपको इनेबल कर देना है। उसके बाद मोबाइल को आपको स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद मोबाइल को जो है आपको डाउनलोडिंग मोड पर आपको लाना होगा। डाउनलोडिंग मोड पर लाने के बाद आपको जो है ओडिन टूल से आपको फ्लैश करना है। डाउनलोडिंग मोड पे लाने के लिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डाउनलोडिंग मोड पे लाने के लिए आपको वॉल्यूम माइनस और पावर की प्लस होम बटन को आपको एक साथ जो है प्रेस करना है। डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा। जब डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा तो आपको ऊपर में जो वॉल्यूम प्लस आपको दबाना है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद USB डाटा केबल से आपको कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर से। तो दोस्तों, डाउनलोडिंग मोड में फ्लैश करने के लिए हमें ओडिन टूल की जरूरत पड़ेगी। तो ओडिन टूल आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास ओडिन टूल है। उसके बाद यहाँ पे TWRP फाइल है, ठीक है। इस फाइल को आपको जो है फ्लैश करना होगा ओडिन टूल से इस सैमसंग J2 में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमने अपना ओडिन टूल को जो है ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं AP पे हमें क्लिक करना है। और AP पे क्लिक करने के बाद हमारे कंप्यूटर में जो TWRP जो फाइल है ये कंप्रेसर फाइल, इस फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि TWRP फाइल आपको अगर डाउनलोड करना है किसी भी मॉडल को, अगर आपको मतलब फ्लैश करना है TWRP फाइल से, तो आप गूगल पर आप टाइप करेंगे मॉडल नंबर, उसके बाद TWRP आप टाइप करेंगे, आपके सामने फाइल आ जाएगा। आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और उस TWRP फाइल से फ्लैश करके आप किसी भी मोबाइल का जो IMEI रिपेयर कर सकते हैं सैमसंग मोबाइल का। तो हमने TWRP फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं ऑटो रिबूट, ठीक है। ऑटो रिबूट का चेक हमें हटा देना है, तब हमें जो है फ्लैश करना है। और जब हम फ्लैश करेंगे उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पास लिखनी चाहिए। अगर पास लिखता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लैश जो है 100% कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पास लिखा है, इसका मतलब है कि हमारा जो फ्लैशिंग ये है TWRP फाइल से जो है फ्लैशिंग हमारे इस मोबाइल में हो चुका है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, कि इस मोबाइल का जो है हमें इसे हमें ऑफ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका जो बैटरी हमें निकाल देना है, ठीक है। तो दोस्तों, बैटरी निकालने के बाद बैटरी फिर से लगा देना है इस मोबाइल में। बैटरी लगा करके फिर इस मोबाइल को हमें ऑन करना है। तो दोस्तों, मोबाइल ऑन हो चुका है। अब इसमें हम डाटा केबल लगाएंगे, वापस फिर से हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे और इसका जो इंटरनल मेमोरी है, इसके इंटरनल मेमोरी में हमें एक फाइल डालना है और सुपर SU फाइल, क्योंकि ये फाइल हम इसके इंटरनल मेमोरी में डालेंगे तभी हम इस मोबाइल में जो उस फाइल को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपने पहले देखा कि मैंने TWRP फाइल से ओडिन टूल से फ्लैश किया इस मोबाइल को। उसके बाद इस मोबाइल के इंटरनल मेमोरी में हमें तो ये सुपर SU फाइल डाल देना है। तो आप देख रहे हैं कि इस मोबाइल के जो ये J2 मोबाइल है, इस J2 मोबाइल के अंदर में जो इसका जो फोन मेमोरी है, फोन मेमोरी के अंदर में हमने ये सुपर SU फाइल डाला है और इस फाइल को हम इंस्टॉल करेंगे TWRP के माध्यम से।
तो दोस्तों इस मोबाइल के जो इंटरनल मेमोरी के अंदर में मैंने सुपर एसयू फाइल डाल दिया है। अब इस मोबाइल को हम ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इस मोबाइल को हमें लेकर के जाना है रिकवरी मोड में। इस मोबाइल को रिकवरी मोड में लाने के लिए हमें इसमें वॉल्यूम पावर की, उसके बाद वॉल्यूम प्लस, उसके बाद होम बटन एक साथ हमें प्रेस करना है, और जैसे ये सैमसंग लिखता है हमें पावर की छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिकली जो हमने जो TWRP फाइल जो हमने जो फ्लैश किया था ओडिन के माध्यम से, तो उसके जरिए से ये जो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन है सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे इंस्टॉल का जो ऑप्शन है तो यहाँ इंस्टॉल पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपने उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो फाइल हमने इसमें डाला था सुपर एसयू फाइल, उस फाइल को हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सबसे नीचे में जो है वो सुपर एसयू फाइल है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे हम। आप यहाँ पे देख रहे हैं सुपर एसयू फाइल सबसे नीचे में है, इस फाइल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे नीचे में हरे कलर में जो ये तीर का निशान देख रहे हैं इसे हमें राइट साइड जो है इसे सरकाना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो सुपर एसयू फाइल है इस मोबाइल में जो इंस्टॉल हो रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सुपर एसयू फाइल हमारे इस मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, और जब ये सुपर एसयू फाइल जो है इंस्टॉल हो जाएगा इस मोबाइल में, उसके बाद हम इस मोबाइल को कुछ भी कर सकते हैं। इसका IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं, इसका एंड्रॉयड वर्जन हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर एसयू फाइल जो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन है, तो रिबूट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद फिर से हम इस हरे बटन को जो हमने राइट साइड क्लिक किया, उसके बाद ये फोन ऑटोमेटिकली जो है रिस्टार्ट हो गया। तो दोस्तों हमारा ये मोबाइल जो है कंप्लीट जो है जब पूरी तरह से जब ऑन हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो फोन है बिल्कुल कंप्लीट जो है रूट हुआ है कि नहीं है। अगर हमारा फोन रूट हुआ है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, आप यहाँ पे देख लें कि हमारा जो फोन है बिल्कुल कंप्लीट पूरी तरह से रूट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सुपर एसयू फाइल हमारा जो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इसका मतलब है हमारा जो मोबाइल है ये कंप्लीट पूरी तरह से जो है रूट हो चुका है। अब इस मोबाइल का हम IMEI रिपेयर कर सकते हैं, और इसका एंड्रॉयड वर्जन अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMEI ही आप सिर्फ रिपेयर करें, क्योंकि अगर IMEI अगर आप चेंज करेंगे तो ये गैरकानूनी है, आप ये काम बिल्कुल ना करें। और मोबाइल के बैटरी के नीचे जो IMEI लिखा होता है, मोबाइल का जो ओरिजिनल IMEI, वही IMEI आप यहाँ पे टाइप करके जो है IMEI रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप IMEI अगर चेंज करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो ये आपका जो बॉक्स होता है वो रजिस्टर होता है, और अगर आप IMEI रिपेयर करेंगे चेंज करेंगे तो आप इसमें पकड़े जाएंगे। तो आप ये काम बिल्कुल ना करें, ये गैरकानूनी है। आप सिर्फ IMEI रिपेयर करें। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि IMEI कैसे रिपेयर किया जाता है। तो IMEI रिपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करना होगा। रिपेयर का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों, तो आप कंट्रोल M दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो आपको यहाँ पे रिपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, और इस रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे IMEI का ऑप्शन है। तो दोस्तों हमने पहले से ही यहाँ पे IMEI अपना टाइप करके रखा है, जो हमारे मोबाइल में IMEI नंबर लिखा हुआ है उस IMEI नंबर को हमने यहाँ पे लिख करके रखा है, और इसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम IMEI की जगह यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि IMEI रिपेयर करने के लिए यहाँ पे आपको ADB की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे आप ADB का पोर्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ADB सिलेक्ट करना होगा। तो ADB सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले अपने मोबाइल में USB डिबगिंग ऑन करना होगा, और OEM अनलॉकिंग जो है उसे आपको जो है इनेबल करना होगा। OEM अनलॉकिंग इनेबल करना है, उसके बाद USB डिबगिंग आपको इनेबल करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ADB पोर्ट पर आपको यहाँ पे जो यहाँ पे क्लिक करते रहना है ताकि उसका जो पोर्ट यहाँ पर दिखाई दे, और जब ये पोर्ट आपको दिखाई देगा उसके बाद आप IMEI जो है यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर ADB पोर्ट यहाँ पे ना आए तो आप USB डाटा केबल निकाल के फिर से दोबारा यहाँ पे लगाएंगे USB डाटा केबल, उसके बाद फिर यहाँ पे पोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ADB का जो यहाँ पे जो पोर्ट है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ADB आ चुका है, ADB पोर्ट यहाँ पे आ चुका है। और जब आप यहाँ पे ADB पोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका अलाउ USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको ओके करने के लिए कहा जाएगा मोबाइल पर, यहाँ पर आप ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे रिपेयर पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप रिपेयर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो IMEI जो रिपेयर होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो भी आगे और भी है, आप पूरा वीडियो देख लें आपको समझ में आ जाएगा। इसके बीच में अभी मैं और कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, आप वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको IMEI रिपेयर करना है।
तो दोस्तों हमारा जो IMEI है वो राइट हो चुका है। उसके बाद हमारा ये फोन आप देख रहे हैं कि रिस्टार्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें जो यहाँ पे फिर से हमारा जो फोन ऑन होगा, ऑन होने के बाद फिर से हमें जो अपना ADB पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा, और ADB पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से जो है यहाँ पे इसे वेरीफाई करना होगा। तो दोस्तों हमारा जो IMEI कंप्लीट पूरी तरह से जो है रिपेयर हो चुका है, और उसके बाद हमारा फ़ोन जो फिर से रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद फिर से हमें यहाँ पे ADB पोर्ट जो है सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से जो है इसका जो रीड इन्फो चेक करना होगा, और रीड इन्फो चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो IMEI रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो IMEI है वो सक्सेसफुली जो है रिपेयर हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। Thank you.